हैचरी में मछली का उत्पादन कैसे होता है? 6 से 8 घंटा में वो अंडा मछली अंडा देने लगती है। खाना में देखिए 5 आइटम हमारे पास है देने के लिए। जिस फार्मर के पास पैसा कम है वो भी दे सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो भी दे सकते हैं। लाखों रुपया लोग कमा सकते हैं। हाँ, इसमें लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के नालंदा स्थित मोहनपुर मत्स्य हैचरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। मछली पालक किस तरह से मछली पालन कर लाखों रुपया कमा सकते हैं वो मछली के व्यवसायी शिवनंदन जी ने आपको बताया है। लेकिन मछली का बीज कैसे तैयार होता है और किस प्रकार से मछली को डेवलप किया जाता है वो सब कुछ शिवनंदन जी बताएंगे। हमारे साथ हैं। हमारा हैचरी में मछली का उत्पादन कैसे होता है? यहाँ ये मोहनपुर मत्स्य हैचरी में मत्स्य सीड का तैयारी हो रहा है, अभी कार्यक्रम चल रहा है। इसमें जो है हम यहाँ क्या करते हैं कि पुरानी मछली 4 से 5 साल का पुरानी मछली रखते हैं। कहाँ? उसमें तालाब में रखते हैं। अच्छा। तालाब में रखते हैं, उसको बढ़िया पुष्ट खाना देते हैं और जब मैच्योर्ड हो जाता है, अंडा देने की स्थिति होती है, उसका समय आता है, तो मेल फीमेल मछली को हम पकड़ लेते हैं और मेल फीमेल के एक मेल पे एक फीमेल को ये ब्रीडिंग पूल हुआ। हम अपने कैमरा मैन को कहेंगे कि वो ब्रीडिंग पूल को दिखाएंगे, है ना, जिस ब्रीडिंग पूल में, हाँ बताते चलिए, ब्रीडिंग पूल में डालते हैं। ब्रीडिंग पूल में 6 घंटा तक के वो कंडीशनिंग होता है। कंडीशनिंग होने के बाद उसको फिर पकड़ लेते हैं और वहीं पे उसको इंजेक्शन लगाते हैं। वजन के अनुसार उसमें ओवा प्रीम इंजेक्शन लगता है और फिर पानी में छोड़ देते हैं और पानी का धारा देते हैं। उसके बाद 6 से 8 घंटा में वो अंडा मछली अंडा देने लगती है। फीमेल मछली जो है अंडा देती है और मेल मछली मिल्ट छोड़ती है। जिस अंडे पे मिल्ट लग जाता है यानी फर्टिलाइज हो जाता है वो अंडा निषेचित हो जाता है। वो अंडा निषेचित होने के बाद हम उस अंडे को पकड़ लेते हैं, मछली को वहाँ सर से हटा देते हैं ब्रीडिंग पूल से और उसके बाद उस अंडा को हैचिंग पूल में डालते हैं। हैचिंग पूल में उसमें 72 घंटा में अंडा से बच्चा निकलता है, उसको बोलते हैं स्पॉन। अच्छा, जो यानी सबसे निचला पायदान है मछली का, बच्चा का। हाँ, यानी सेकेंड स्टेप, पहले अंडा, अंडा सेकेंड स्टेप स्पॉन। हाँ। तो स्पॉन को हम लोग है जो कि नर्सरी में डालते हैं। वो थर्ड स्टेज नर्सरी में जब डाले और उसमें खाना वगैरह देते हैं तो 10 से 15 दिन में बच्चा धानी हो जाता है। उसको धानी हो थर्ड स्टेज और उस धानी को फिर हम तीसरा तालाब में रियरिंग उससे बड़ा तालाब में डालते हैं लंबा चौड़ा एरिया में। तो वो 1 महीना में फ्राई बच्चा हो जाता है, उसको फोर्थ स्टेज में फ्राई बच्चा बोलेंगे। उस बच्चे को फिर उससे बड़ा तालाब स्टॉकिंग में डालते हैं जो कि फिंगरलिंग हो जाता है। इस बीच में बिक्री भी चलते रहता है, बिक्री आपका स्पॉन से ही चालू हो जाता है। स्पॉन, धानी, फ्राई, फिंगरलिंग, फिर इस बच्चे को, जिस मछली के बच्चे को 1 साल आयु हो गया उसको बोलते हैं ईयरलिंग। जो फार्मर ईयरलिंग यदि डालते हैं तो उनको 3 से 4 महीना में 1 किलो मछली हो जाए। यानी ईयरलिंग जो हुआ वो परिपक्व मछली, परिपक्व मछली का बच्चा ईयरलिंग हुआ। ईयरलिंग हुआ, हाँ। यानी जो भी पशु यानी मछली पालक हैं, जो भी किसान मछली पालन कर रहे हैं वो ईयरलिंग ही डालें, ईयरलिंग ही डालें। हाँ। तो 3 से 4 महीना में मछली बढ़िया उत्पादन होगा, 1 कट्ठा में 1 क्विंटल मछली होगा। साइज 25 ग्राम, 50 ग्राम, बेशक 100 ग्राम का क्यों नहीं हो, उसको वेट का 5% खाना देना है। 1 क्विंटल यदि जीरा डाले हैं तो पर डे 5 किलो खाना देंगे। खाना में क्या क्या दे मछली को ताकि खाना में बेहतर हो? खाना में देखिए 5 आइटम हमारे पास है देने के लिए। जिस फार्मर के पास पैसा कम है वो भी दे सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो भी दे सकते हैं। जिनके पास खूब पैसा है तो मछली को बना बनाया दाना आता है, जैसे गोदरेज कंपनी का है, IBS का है, अदर्स कंपनी का फीड बाजार में मिल रहा है वो दे सकते हैं। यदि उनसे कम पैसा है तो चावल का ब्रॉन आता है, सरसों का खली आता है, दोनों बराबर मात्रा में वो भी फुला करके
दिया जा सकता है, डाल दिया जा सकता है। और वो भी नहीं है, उससे भी कम पैसा है, तो चावल का खुद्दी है, मकई का दर्रा है, गेहूं का दर्रा है, ये भी सिझा के फुला के कुछ भी करके दिया जा सकता है। यदि ये भी नहीं है तो जिनके पास गोबर का साधन है तो मछली के तालाब में मछली को खाने के लिए नेचुरल खाना तैयार करने के लिए गोबर से प्लांटन तैयार किया जा सकता है। गोबर में DAP सरसों खली मिला करके तालाब में डालेंगे तो उससे प्लांटन तैयार होगा, वो भी खा के मछली बच सकती है और तैयार हो सकती है, बढ़ सकती है। ये भी साधन नहीं है तो जिनके पास कुछ भी पैसा नहीं है तो जहाँ तहाँ से मुर्गी का लाही ला करके भी तालाब में डालेंगे, उससे भी मछली बढ़ेगी, प्लांटन बन जाती है। ऐसा एक्सपेरिमेंट हम बहुत से तालाब में किए हैं और रिजल्ट हो रहा है और बहुत उत्पादन हो रहा है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि नीचे तालाब होता है और ऊपर में मुर्गी पालन भी होता है। ये किया जा सकता है, तालाब में मुर्गी पालन किया जा सकता है, तालाब के ऊपर में बत्तख पालन भी किया जा सकता है, तालाब के मेड़ पे शेड बना के बत्तख पालन भी करते हैं, उससे भी बढ़िया उत्पादन होता है। मेड़ पे तालाब बनाते हैं तो उस पर प्लांटेशन भी कर सकते हैं, जिनका अपना निजी तालाब है तो मेड़ पे फलदार वृक्ष केला है, पपीता है और सब्जी है, आम अमरूद लगा करके उससे भी अच्छा यर्न कर सकते हैं मछली पालन के साथ साथ। यानी मछली पालन के साथ साथ कई तरह का व्यवसाय हो सकता है। हाँ, है ना, लाखों रुपया लोग कमा सकते हैं। हाँ, इसमें लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ शिवनंदन जी, जो मछली पालक हैं और प्रशिक्षक भी हैं। मछली पालन करने वाले किसानों को ये प्रशिक्षण देते हैं कि आप किस प्रकार से मछली पालन कर लाखों रुपया कमा सकते हैं और कैसे ये मछली का बीज तैयार करते हैं, वो भी इन्होंने साफ तौर पे बताया। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।